Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रिलियंट गैस पेपर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो अब तक मैं यानी 223 तक यानी अपलोड कर चुका हूँ चैनल में। अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल में विजिट कीजिए, आप वहाँ यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, आप वहाँ जाकर के इसको बारी बारी से देख सकते हैं। तो 223 तक अपलोड कर चुके हैं, तो आज मैं लेके आया यानी 224 तक, ठीक है। तो आप बाकी इधर देख सकते हैं। तो आप अगर अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए गाइस, यानी शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। 1970 के दशक में कितने जिले नक्सलवादी हिंसे से प्रभावित थे? तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। नक्सलवादी आंदोलन में बढ़ोतरी के क्या कारण है? तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबरदस्ती मजदूरी और शोषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 226वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? बहुत ही भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? पुर्तगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। पर्यावरण की शुद्धता के लिए क्या जरूरी है? तो 227 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो तापमान में वृद्धि रोकना, वायु एवं जल प्रदूषण रोकना, जीवन जंतुओं एवं वनस्पतियों की रक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस। आपातकाल में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तत्परता से किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये जो है यानी किसके द्वारा किया गया था, तो 228 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर गाइज। टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण क्या है? मतलब टेहरी बांध जो नर्मदा नदी पर बनाया गया था, तो उसका विरोध करने का क्या कारण था? तो इसका 229 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता था, इसी वजह से टेहरी बांध का विरोध करने लगे थे, ठीक है। आपको पूछा जाएगा टेहरी बांध किस नदी पर बांधा गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, नर्मदा नदी पर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्यूटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का दायित्व है क्या है? मतलब तो आपको इसका जो राइट जो आंसर होगा, 230 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी इसका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, और यह सूत्र किसने प्रचलित किया था, ठीक है। तो ये जो आपका जो यानी 231 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति के संचालन कौन है? तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, 232 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं गाइज। उत्तर पूर्वी क्षेत्र परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो 233 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम को शामिल किया गया है। किसको? सिक्किम को शामिल किया गया है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नवंबर 1957 के किस राज्य का संविधान लागू किया गया था? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1957 के किस राज्य का संविधान लागू किया गया था? आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का एक अलग ये था संविधान था जो 1957 में लागू किया गया था, और ये वही शासन था जो 370 वो जो है आपका वो संविधान के अंतर्गत उन लोगों का लिखा हुआ था, इसीलिए वो भंग कर दिया गया मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो इसका यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 26 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1957 के किस राज्य के संविधान लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो 235 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं गाइस। 12वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। 236 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की व्याख्या के किस अर्थ को स्वीकार किया?
तो इसका जो आपका यानी राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान देश। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइज। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, भारत में अब तक कितने बार, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि भारत में अब तक यानी आपातकाल की घोषणा कितने बार हुआ है। ठीक है, तो यानी अभी तक आपातकाल की जो घोषणा हुआ है तो एक बार ही हुआ है, जो 1975 में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डी दिया हुआ तो आप यहाँ डी का नहीं चलेंगे, आपको यहाँ एक मानना है। ठीक है, जो 1975 में लागू किया गया था। चलेगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान का प्रावधान किया गया था। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। जैव विविधता संधि का उद्देश्य है क्या, यानी जैव विविधता संधि का उद्देश्य है कि, तो इसका जो उद्देश्य था जो, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, मानवों के अलावा सभी जीव जंतुओं व वनस्पति को सुरक्षित रखा जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्वीकरण के लिए भारत ने किया था, यानी विश्वीकरण के लिए जो भारत जो किया था, क्या किया था, व्यापार नीति में सुधार किया था, औद्योगिक नीति में सुधार किया था, मुद्रा परिवर्तन की दरों में सुधार किया था। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर होगा तो उपयुक्त यानी सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर होगा 245 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा में। कहाँ प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी जेनेवा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, भारत कब तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। विकसित, अभी तो विकासशील में मालूम है आपको, अभी भारत अभी विकासशील देशों के श्रेणी में है, तो लेकिन यहाँ जो अनुमान लगाया गया है 2020 तक, तो ऐसा नहीं हो सकता है, जहाँ तक हमको लगता है 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भारत की आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है कि अभी जीडीपी दर अभी बहुत यानी 4.5 यानी चल रहा है, तो अभी वो नहीं आ पाएंगे जब तक उसका स्थिति आर्थिक स्थिति ये नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, अब तक वो विकसित राष्ट्र में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अनुमान लगाया गया लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं गाइज, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो फरक्का जो समझौता हुआ था यानी, तो इसका जो यानी समझौता कब हुआ था, 244 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1976। ठीक है, 1976 में यानी फरक्का समझौता हुआ था। ठीक है, हस्ताक्षर किया गया था 1976 में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, यहाँ 1996 होगा, सॉरी 1996 में यानी हस्ताक्षर किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, तो विश्वीकरण से सबसे प्रभावित जो हुए थे वो निर्धन हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है। तो ये जो आई है तो क्या आया, यानी सामूहिक उत्तरदायी की अवहेलना आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप एक पार्टी है जो यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम इंटरव्यू से क्वेश्चन बहुत ही लेवल का है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो जय जवान जय किसान का जय विज्ञान का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 248 का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत विभाजन से कौन सा प्रांत प्रभावित हुए। भारत विभाजन से कौन सा प्रांत जो प्रभावित हुए थे, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब एवं बंगाल इसका यानी काफ़ी प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं, 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनने वाला का मुख्य श्रेय किया जाता है, किसे जाता है। तो इसका जो आपका जो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर यानी 250 का जो आपका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है। क्षेत्रीय दलों के मुख्य विकास का कारण क्या है, तो दलों के विकास का जो मुख्य कारण है, तो 251 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी, 252 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी काशी राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं, अकाली दल कहाँ का राजनीतिक दल है। ठीक है, अकाली दल जो है कहाँ के यानी राजनीतिक दल है, तो 253 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा
शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसमें जो जोड़ा गया है तो ऑप्शन नंबर यानी 254 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उल्फा यानी उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का एक उल्फा जो है आतंकवादी संगठन है यानी कहाँ का है, तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का है, यानी उल्फा ये भारत का आतंकवादी संगठन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, 2014 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान, ये तो मालूम होगा आपको, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर से पूछे जाते हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस के, तो ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो भाजपा हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप जो है तो कैसा है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत एक में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। स्वेत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो वो जो थे यानी यल्तसिन थे, यल्तसिन कौन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण एशिया का कौन वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, तो ये जो किया गया था यानी श्रीलंका के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योग थे, तो इसमें जो उद्योग थे कितने थे, यानी 261 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8, 6, ठीक है, 8 थे, कितने, 8। ई रामस्वामी नायकर पेरियर मैंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 262 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी आपका इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्रवित आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था, तो इसका जवाब आपको देना है यानी प्रथम खाड़ी युद्ध का जो संबंध था तो यानी किससे था, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन प्रधानमंत्री गुटनिरपेक्ष को एक आंदोलन का स्वरूप दिया था, यानी रूप दिया था, ठीक है, तो 264 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी डी का राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। जल जंगल और जमीन के नारे से कौन सा आंदोलन संबंधित है, तो दोस्तों ये जो है जंगल जंगल यानी तो चिपको आंदोलन से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम ही क्वेश्चन है गाइज, यहीं तक मैं वीडियो को एंड कर दूंगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है, तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामूहिक सुरक्षा। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। अगर अच्छा लगे तो हो सके तो आप एक लाइक भी कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।